भोपाल में जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट के 12 से ज्यादा ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। एडब्ल्यू की टीम कार्रवाई कर रही है। फर्जी तरीके से डेयरी प्रोडक्ट्स को विदेश भेजने को लेकर यह कार्रवाई हो रही है। बताया जा रहा है कि डेयरी प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन को लेकर रेड चल रही है, तो फर्जी तरीके से डेयरी प्रोडक्ट्स को विदेश भेजा जा रहा था सर्टिफिकेशन को लेकर, प्रोडक्ट्स के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके सर्टिफिकेशन को लेकर रेड चल रही है, जांच की जा रही है। ईओडब्ल्यू की टीम 12 से ज्यादा ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी कर रही है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने आज राजधानी भोपाल और सीहोर के दर्जन भर ठिकानों में जयश्री गायत्री फूड्स प्रोडक्ट बनाने की एक जो कंपनी है उनके मालिकों और उनके यहाँ छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के शाहपुरा इलाके में मौजूद हूँ। वगीरा अपार्टमेंट के सामने ये उनके जो कारोबारी हैं उनका घर है और उन पर आरोप है कि करोड़ों रुपए की ना सिर्फ धोखाधड़ी उन्होंने की बल्कि इस पूरे मामले में विदेशों में जो उन्होंने ड्राई फ्रूट्स सप्लाई किया था वो बड़े अमानक स्तर का था और उसके सर्टिफिकेशंस में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पाई गई थी। उसी को लेकर शाहपुरा के इस ठिकाने पर छापे की कार्रवाई को जो है ईओडब्ल्यू ने अंजाम दिया है। इसके अलावा सीहोर में भी जो है ये कार्रवाई चल रही है। जो कंपनी के कारखाने हैं ये भोपाल में उनका घर है मालिक का और उस पर आप देख सकते हैं तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं और घर के अंदर जो आरोपी हैं जो इस पूरे मामले में गड़बड़ियों का आरोप है जिन पर और फर्जी सर्टिफिकेशन और अमानक स्तर के ड्राई फ्रूट्स को विदेशों में भेजने के मामले के जो आरोप हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। तमाम अधिकारी अंदर इस मामले की जाँच कर रहे हैं। कैमरा अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा भोपाल। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ अजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजय, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको विदेश भेजने का ये मामला है, 12 से ज्यादा ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है, फिलहाल ताजा जानकारी और क्या है? देखिए, इस पूरे मामले में अभी भी छापे की कार्रवाई जारी है और सीहोर और भोपाल के ठिकानों पर ये छापे की कार्रवाई चल रही है। आपको बता दूं 27 डेयरियों में डेयरी प्रोडक्ट का निर्यात करते थे जयश्री गायत्री फूड और 4 लाख लीटर रोजाना दूध का प्रोसेसिंग यूनिट है इनका। तो इस छापे की कार्रवाई में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में जो है गायत्री फूड्स के मालिक पर पहले भी धोखाधड़ी के मामले दर्ज थे और जिस तरीके से पूरी प्रोसेसिंग यूनिट में जो खासतौर पर विदेशों में भेजने का मामला है उन मामलों में कई सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, उन सर्टिफिकेशन में हेरफेर की गई। इसके अलावा क्वांटिटी में हेरफेर की गई, वो तमाम विषय हैं जिनमें हेरफेर की गई, उनके गलत सर्टिफिकेशन फर्जी तरीके से तैयार कराए गए। जब कुछ चीजें अमानक पाई गई, उनके सर्टिफिकेशन को चेक किया गया तो वास्तविक तौर पर मालूम पड़ा कि ऐसे किसी भी तरीके के सर्टिफिकेशन इस कंपनी को जारी नहीं किए गए, जिसके बाद ये छापे की कार्रवाई को जो है राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने अंजाम दिया है। जी अजय, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस अब ईओडब्ल्यू की टीम छापेमारी कर रही है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भोपाल के अलावा सीहोर में भी कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। डेयरी प्रोडक्ट्स को विदेश भेजने का ये मामला है फर्जी तरीके से और काफ़ी अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और बताया जा रहा है कुछ और भी ऐसे अहम ठिकाने हैं जहां पर आने वाले वक्त में दबिश दी जा सकती है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स को विदेश भेजने का ये मामला है जिसमें लेकर जिसको ईओडब्ल्यू की टीम जांच कर रही है और 12 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है, कई अहम सबूत जुटाए जा रहे हैं। सीहोर में पनीर फैक्ट्री पर ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई हुई है। भोपाल के साथ साथ सीहोर में भी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हुई है। पनीर फैक्ट्री पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई, 3 अलग अलग टीमें हैं जो कि कार्रवाई कर रही है। लंबे वक्त से विवादों में है सीहोर पनीर फैक्ट्री जिस पर छापेमारी की गई है। सीहोर की पनीर फैक्ट्री जो कि लंबे वक्त से चर्चा में थी उस पर छापेमारी है हो रही है।
तो सीहोर के पिपलिया मीरा गांव में है ये पनीर फैक्ट्री, गायत्री पनीर फैक्ट्री, जिस पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। 25 सदस्य टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। काफी वक्त से ये चर्चा में थी। ईओडब्ल्यू अफसरों की टीम करीब 10 से 12 गाड़ियों के काफिले के साथ यहां पर पहुंची और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ धर्मेंद्र यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, लंबे वक्त से इस ये जो फैक्ट्री है इसको लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं, बहुत पहले से ये चर्चा में थी और अब इस पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हो रही है। जी हाँ, ये जयश्री गायत्री वो फैक्ट्री है, ये मिल्क मैजिक के नाम से बिहार और मध्य प्रदेश में काम करती है। ये शुरू से ही विवाद में रही है, इसके नकली पनीर को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रही है, जो कि बताते हैं कि दुबई तक इसका सप्लाई होता है। ये बहुत कम समय में इस फैक्ट्री को लेकर वो संदेह के घेरे में रही है फैक्ट्री शुरू से ही, क्योंकि ये फैक्ट्री को लेकर पानी का जो प्रदूषण बोर्ड है उसने भी नोटिस दिया था, जिला प्रशासन ने भी इसके खिलाफ कार्रवाई की थी। और ये नकली पनीर का इस पे आरोप लगता है कि नकली पनीर बनाकर भारत विदेशों में भी सप्लाई करता है। जी बताइए, ये भी जा रहा है कि फैक्ट्री मालिक के घर पर भी इस वक्त ईओडब्ल्यू की टीम है जो वहां पे छापेमारी करी और अहम दस्तावेज वहां से लिए जा रहे हैं। जी हाँ, भोपाल में शाहपुरा और सीनियर जो क्रिसेंट जी धर्मेंद्र, तो भोपाल में शाहपुरा और कई और अहम ठिकानों पर इस वक्त दबिश दे ईओडब्ल्यू की टीम ने फैक्ट्री मालिक सीहोर पनीर की फैक्ट्री जिसको लेकर लंबे वक्त से सवाल खड़े हो रहे थे क्योंकि नकली पनीर यहां पर बनाया जा रहा था, इसकी विदेशों तक में सप्लाई हो रही थी। पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है कि किस तरीके से आगे ये पूरा नेटवर्क था, किस तरीके से ये काम करता था, कितना बड़ा ये नेटवर्क है और कौन कौन से वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें इस तरीके से मिलावट की जा रही थी, नकली डेयरी प्रोडक्ट्स को किस तरीके से आगे सप्लाई किया जा रहा था। तो लंबे वक्त से विवादों में थी ये पनीर फैक्ट्री जिस पर अब ईओडब्ल्यू की टीम ने सख्ती की है, इस पर कार्रवाई की जा रही है। भोपाल के साथ साथ सीहोर में भी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हो रही है, पनीर फैक्ट्री के मालिक के घर पर भी छापा पड़ा है। बताया जा रहा है कि नकली पनीर बनाकर ये लोग सप्लाई करते थे अलग अलग जगहों पर, लंबे वक्त से इसमें सक्रिय थे, कहां कहां पर इनकी सप्लाई हो रही थी और कौन कौन से डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, अब इसी को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो डेयरी प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन में गड़बड़ी का आरोप है, बताया जा रहा है कि नकली बहुत मिलावटी पनीर था जिसको वो आगे, इस पनीर के अलावा और भी कई ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स थे जिनको आगे सप्लाई किया जाता था नकली, और काफ़ी वक्त से इस बात की शिकायत मिल रही थी। उसके बाद अब इसमें ईओडब्ल्यू की टीम ने कार्रवाई की, 20 से 25 सदस्यों की टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा है। पुलिस अभी वहाँ पर फैक्ट्री के बाहर तैनात की गई है, इसके अलावा फैक्ट्री मालिक के घर पर भी छापेमारी चल रही है ईओडब्ल्यू टीम की। बताया जा रहा है कि ये शिकायत लंबे वक्त से मिल रही थी कि इस पनीर फैक्ट्री में जिस तरीके से पनीर को बनाया जाता है वो उसमें मिलावट की जाती है, कई ऐसी चीज़ों की उसमें मिलावट की जाती है जो खाने योग्य नहीं होती हैं, जिनको पूरी तरीके से बैन है अगर खाने की चीज़ों में उनका इस्तेमाल होता है। लेकिन फ़ायदे के लिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फैक्ट्री पर छापेमारी पड़ी है और घर पर भी फैक्ट्री मालिक के सीहोर और भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फैक्ट्री है पनीर फैक्ट्री जिसमें छापेमारी ईओडब्ल्यू की टीम की है, पनीर और अन्य खाद्य सामग्री हैं फैक्ट्री से, इन प्रोडक्ट्स की विदेशों तक में सप्लाई होती थी, इसी मामले को लेकर अब जांच की जा रही है।